हमारे हरि हारल की हमारे हरि हारल की लकरी मन क्रम बचन नंद नंदन नन्दन मन क्रम बचन नन्द नन्दन उपकरी हमारे हरि की ली जागत सोवत स्वप्न दिवस निगत सोवत स्वप्न दिवस कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है सो। सुनत जोग लागत है सो जो करुई का ककरी हमारे हरी हारिल की लगी सु तो हमको ले आए सु तो ब्याधी हमको ले आए देखी सुनी ना करी अरे देखी सुनी ना करी यह तो सूर तिन ही ले सोपो यह तो सूर तिन ही ले सोपो जिनके मन चकरी आ जिनके मन चकरी हमारे हरी हमारे हरी हारिल की नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आज हमने सूरदास जी के इस भावपूर्ण पद को पढ़ना है शुरू करते हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए ये कह रही हैं कि ये उद्धव कृष्ण जी हमारे लिए हारिल के पक्षी की जो लकड़ी होती है एक ऐसा पक्षी होता है हारिल जो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है और उसे वो छोड़ता नहीं है उसे लगता है कि मैं इसे छोड़ दूँगा तो मैं गिर जाऊँगा और उसको लकड़ी को पकड़ने के कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ पे बैठा हूँ और मैं गिर नहीं सकता बेस है मेरे पास तो हमारे श्री कृष्ण भी हमारे लिए एक तरह से बेस हैं हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं क्या है हम क्या है हारिल पक्षी और लकड़ी कौन है हमारे कृष्णा जी जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में उस लकड़ी को दबाकर उसके सारे सारे आकाश में उड़ता है उसी तरह से हम मन क्रम वचन मन से वचन से वाणी से कर्म से जो भी हम काम करते हैं नंद नंदन कृष्ण का प्रायवाची हो गया नंद जी का पुत्र नंदन मतलब पुत्र ठीक है नंद का लड़का नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हमने दृढ़ दृढ़ करी पकड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है कैसे पकड़ा हुआ है जैसे हरिल का पक्षी अपने लकड़ी को पकड़ता है मतलब क्या हुआ कि हमने मानसा वाचा और कर्मणा श्री कृष्ण जी को अच्छे से प्रेम किया है और उसी से प्रेम करते हैं करते थे करते रहेंगे <laughs> जागत सोवत जागते हुए सोते हुए और उसके बीच की अवस्था यानी के स्वप्न में दिन रात हम श्री कृष्ण की ही कान काहन जकरी काना काना ही नाम लेते रहते हैं जकरी मतलब रटती रहती हैं हम रटते हैं क्या नाम रटते हैं काना काना सुनत जोग लगत है ऐसो योग संदेश तो जो तुम लेकर आए हो हमारे लिए निर्गुण ईश्वर का ध्यान जो आप लेकर आए हो हमारे लिए वो तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी खानी पड़ जाए नहीं खाई जाती ना मुश्किल लगता है क्या भाव है श्री कृष्ण हमारे के प्रति हमारा जो भाव है जो प्रेम है वो एक निष्ठ है अनन्य है हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते तुम्हारे मुख से जो योग की बातें हमें ऐसे लग रही है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो मतलब स्वाद ही बिगाड़ दिया योग की बात करके अब क्या कहते हैं सू तो व्याधि व्याधि रोग ऐसा बीमारी ले आए हमको ले आए देखी सुनी ना करी तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आयो बीमारी की तो बात ही ना करें यह कोरोना वायरस पहले कभी ना सुना था ना देखा था चलो इस बात को तो छोड़ ही देते हैं आगे चलते हैं तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आयो जो हमने ना कभी देखा ना कभी सुना और ना ही कभी भोगा था क्यों नहीं देखा सुना भोगा था क्योंकि हमारे पास तो श्री कृष्ण जी थे हमने तो किसी और तरफ जाने की सोची ही नहीं क्यों सोचेंगे अरे भाई जिसके पास पूरा का पूरा सब कुछ हो तो वो किसी दूसरे की तरफ जाने की क्यों सोचेगा यह तो सूर तिन ही लौंपो यह सूरदास जी कहते हैं कि यह है तो तिन ही तिन को उन्हीं कोई लय सौंपो जाकर उन्हें ही सौंप दो जिनके मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं है कैसा है चक्री की तरह घूमता रहता है आज ये कल वो परसों वो ऐसा जिनका मन घूमता रहता है चक्री के समान बच्चे घुमाते हैं ना चक्री वैसे तो समझ आ गया होगा इसका पिछला भाग जिसमें हमने पहले दो पद किए हैं वो देखने के लिए आप ऊपर आई कार्ड को टच कर सकते हैं एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप उसमें से देख सकते हैं अगर इसकी भाषागत विशेषताएं देखें तो ये पद भाव पूर्ण है माधुर्य गुण से युक्त है साहित्यिक ब्रज भाषा है ये सूरदास जी के लिए अच्छे से याद कर लीजिए उनकी भाषा ब्रज है हाँ लेकिन तुलसीदास में आप ये नहीं कर सकते कि उनकी अवधि भाषा है उन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में लिखे हैं तत्सम तद्भव शब्दा तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है अनुप्रास रूपक उपमा ये सब अलंकार हैं कहाँ हैं अलग अलग से क्लियर करें तो हमारे हरिहारेल की लकड़ी में रूपक अलंकार है करुई ककरी जागत सोवत नंद नंदन इनमें अनुप्रास अलंकार है और कान कान जब दो शब्द एक जैसे आए और अर्थ भी सेम हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है तो यहाँ कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी जो तो उपमा पिछली बार हम जो आया है तो उसे हम क्या कहेंगे उपमा अलंकार जहाँ उपमान और उपमेय में समता दिखाई जाए तुलना की जाए ठीक है अच्छा और अगर देखें तो इस पूरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को बताया है संकेत किया है उनका प्रेम एक निष्ठ है दृढ़ है कभी नहीं छोड़ सकते और कुछ सुनना भी उन्हें पसंद नहीं है कड़वी ककड़ी खाने जैसा लगता है वार्तालाप और तर्क शैली है पद छंद का सफल प्रयोग है संपूर्ण पद में गेयता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है ठीक है आशा करती हूँ ये समझ आ गया होगा अब हम अगला करते हैं हरी है राजनीति पढ़ी आए अब तो कृष्ण जी राजा हो गए हैं राजनीति पढ़ ली है समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए प्रसंग देखें तो सूरसागर के भ्रमर गीत संबंधी पदों से उद्धृत है रचयिता सूरदास जी हैं इस पद में उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने योग के संदेश को सुनकर जो दुखी गोपियाँ हैं श्री भगवान श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ होने के लिए उल्हना देती हैं और अब उन पर और अन्याय ना करने और राज धर्म निभाने की सलाह देती हैं हमारे ऊपर और अन्याय ना करो हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो ठीक है और अपना राजकाज का काम करो ये बात है इसके अंदर चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत तो मधु करके समाचार सब पाए एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए क्या कह रही है आपस में बात कर रही हैं ये उलाहना दे रही हैं किसको आ, को को ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारे जो हैं हमारे इष्ट हैं प्रभु वो राजनीति शास्त्र में प्रवीण हो गए हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने राजनीतिज्ञ हो गए हैं और राजनीति शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है राजनीति के छल कपट भी बहुत सीख लिए हैं और उन्हीं के दाव पे वो हमारे ऊपर चला रहे हैं समूझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए देखिए उद्धव के हाथ हमारे पास क्या समाचार भेज दिया है योग संदेश का एक अति चतुर होते पहले थे एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे चतुर मतलब चालाक थे एक अति अति चतुर बहुत चतुर थे होते थे पहले ही एक तो पहले से ही बहुत चलाक थे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए अब वो गुरु ग्रंथ यानी के राजनीति का ग्रंथ और अलग अलग तरह के गुरु से भी उन्होंने दीक्षा ले ली है और बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए उनकी बुद्धि जो है वो बहुत बढ़ गई है इसी कारण से वो हमारे प्रेम के बदले में हमें क्या दे रहे हैं योग संदेश का पाठ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं और भेजा किसे उद्धव को उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए हे उद्धव पहले के लोग भले लोग आगे के आगे के मतलब पीछे के पहले के भले थे बहुत भले थे बहुत अच्छे थे सज्जन थे वो तो एक दूसरे के हित के लिए पर हित पर मतलब पराया हित मतलब कल्याण घूमते फिरते थे एक दूसरे के हित के लिए एक दूसरे के कल्याण के लिए घूमते फिरते थे अब अपने मन फेर पाई है अब अपने मन फेर पाई है चलत जूते चुराए अब क्या है लेकिन जो अब तुम जैसे लोग हैं वो हमारा अकल्याण या अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ पे चले आए हैं हे उद्धव अब हम श्री कृष्ण से इतना ही चाहते हैं कि वो मथुरा में जाते हुए जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे चलत होते चुराए चलते हुए कहाँ चलते हुए मथुरा की ओर चलते हुए जो होते चुराए जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूहते चुराए अब अपने मन फेर पाइए अब हमारा मन वापिस कर दो फिर से हमें वापिस दे दो पाई ते चुराए जो उन्होंने चलते हुए यहाँ से हमारा मन चुरा लिया था ते क्यों अनीति करे आपुन आपुन मतलब खुद ही स्वयं ते क्यों अनीति करें वो क्यों अनीति कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं जे और अनीति छुड़ाए ये वो तो श्री कृष्ण हैं जो औरों की अन्याय छुड़वाते थे औरों को अन्याय नहीं करने देते थे उन्हें न्याय दिलाते थे वो आज खुद ही अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं राज धर्म तो यह है सूर, हे सूरदास जी कहते हैं कि राज धर्म तो ये होता है जो प्रजा ने जा ही सताए जो अपनी प्रजा को ना सताए वो, वो अन्याय क्या कर रहे हैं कि पहले तो हमारा मन चुरा लिया हमारे मन में बस गए हमसे अलग तरह के वचन ले लिए और दे दिए और अब सब प्रेम की बातों को भूल कर वो हमसे ये चाहते हैं कि हम योग के संदेश को पढ़ें साधने ध्यान लगाएं और श्री कृष्ण को अपने मन से निकाल दें ये हमारे ऊपर अन्याय है एक तो वो कहते हैं ना टेढ़े हवे जो गढ़े हमारे मन में वो टेढ़े से गढ़ गए हैं ये इस पद में नहीं है और पदों में आता है ऐसा कि वो टेढ़े से हमारे मन में अड़ गए हैं अब तो कैसे हो निकसत ना ही अब तो कैसे भी निकल नहीं सकते राजधर्म तो ये होता है राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए जो प्रजा को ना सताए ठीक है यानी कि उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए और हमारे प्रेम को स्वीकार करके हमें हमसे मिलना चाहिए हमें स्वीकार करना चाहिए वही सेम भाषागत विशेषताएं अगर करें साहित्यिक ब्रज है तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है माधुर्य गुण है उपालंब है अनुप्रास व क्रोक्ति ये अलंकार हैं अगर अलग अलग से अलंकार देखें जैसे पहले देखे हैं तो हरी हैं समाचार सब गुरु ग्रंथ बड़ी बड़ी बुद्धि जानी जो भले लोग आगे के जो प्रजा ने जा सताए इन सब में क्या है अनुप्रास अलंकार वर्णों की बार बार आवृत्ति किसी भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं और यमक अलंकार वही शब्द फिर फिर पर है अर्थ और ही और यहाँ नहीं है वैसे यमक अलंकार बता रही हूँ हरी है राजनीति पड़ी आए समुझी बात कहत मधु करके समाधि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए और ये कह लीजिए कि उधो भले लोग आगे के पर दौलत थाए इन सब में क्या है वक्रोक्ति अलंकार है और सारा का सारा पद उपालम्ब से बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा बनाया है बहुत 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 भावपूर्ण है अच्छा इन पदों में जो मुख्य भाव है वो क्या है इनका भाव सुंदर है बहुत बहुत भावपूर्ण है ये इस पद की अगर बात करें तो इसमें उन्होंने गोपियों की एक तरह से तार्किकता का वर्णन किया नंदास है देखिए नंददास की गोपियाँ भी हैं उन्होंने जो लिखा है उसमें भी गोपियाँ हैं लेकिन वो बहुत ज्ञानी ध्यानी और बहुत ज़्यादा तार्किक हैं उसको छोड़िए यहाँ देखिए भावपूर्ण तार्किकता है एक टीस है मन में एक प्रेम भावना है सात्विक प्रेम है और असल में श्री कृष्ण जी ने आ, उद्धव को भेजा क्यों था ताकि उन्हें गोपियों का प्रेम समझ आए वो समझ पाए कि प्रेम क्या होता है गोपियों को वो योग संदेश नहीं देना चाहते थे वो क्या चाहते थे कि उद्धव गोपियों से उद्धव में कोई कमी नहीं है हर तरह से वो सही हैं ज्ञान है उन्हें सब चीज़ का पता है लेकिन वो प्रेम से अलग हैं उनको प्रेम सिखाने के लिए गोपियों से बड़ा शिक्षक और कौन मिलेगा वो ब्रज में जाते हैं तो कुछ तो उनका ब्रज की मिट्टी से वहाँ की हवा की खुशबू से ही हृदय परिवर्तन होने लगता है और उसके साथ साथ जब उन्होंने गोपियों से बात की तो गोपियों से बात करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि प्रेम ही सब कुछ है धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक और लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें